नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। देश भर में होली के त्योहार पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। गोल्डन टेम्पल में होल्ला मोहल्ला मनाने पहुंचे लोग। केरल में पैराग्लाइडिंग कर रही महिला और ट्रेनर इलेक्ट्रिक पोल में फंसे। 50 फीट ऊंची बिजली के खंभे में फंसे, 2 घंटे बाद सुरक्षित उतारा गया। लखनऊ में 50,000 रुपए किलो गुझिया, दुनिया की सबसे महंगी एक्जॉटिका गुझिया नाम बाहुबली, एक पीस की कीमत 6,000 रुपए। आईएएफ में पहली बार कॉम्बैट यूनिट की कमांडर महिला। ग्रुप कैप्टन शालजा धामी भारत पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर मिसाइल कॉम्बैट यूनिट का करेंगे नेतृत्व। अब सिर्फ हॉलमार्क सोना बेच पाएगा सुनार। आधार कार्ड की तरह ज्वेलरी का होगा 6 अंकों का कोड। देश भर में सोने पर ट्रेडमार्क करने के लिए 940 सेंटर बनाए गए। बोरवेल में 18 फीट नीचे फंसे पप्पी का रेस्क्यू। झांसी में चट्टान की वजह से जेसीबी हुई फेल, फिर तार रस्सी से 13 घंटे बाद निकाला गया। अफगानिस्तान को 20,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत। ईरान के चबहार बंदरगाह के जरिए जाएगा इंडिया सेंट्रल एशिया की बैठक में हुआ फैसला। तमिलनाडु सीएम ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। सिसोदिया की रिहाई की मांग की, कहा विपक्ष को परेशान किया जा रहा। ढाका के सिद्दीक बाजार में धमाका, 17 लोगों की हुई मौत, 100 लोग हुए घायल। बांग्लादेश में एक हफ्ते में तीसरा ब्लास्ट। गैस पाइपलाइन उड़ाने पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति या उनका सहयोगी इसमें शामिल नहीं था। यूएस पर भी लगे आरोप। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एसएमजेड न्यूज़ इंडिया।